जल्दी से मार्केट से सामान ले आती हूँ। चुगलखोर आंटी। अरे यार शिट, ये कहाँ से आ गई? अब गए एक घंटे। अरे मेघा, तू क्या कर रही है? आ जाए पकड़ में। हाँ जी आंटी, कैसे हैं? पर तू ये दिन में क्या कर रही है यहाँ पे? तू तो इस टाइम ऑफिस हुआ करती है। अब निकालूंगी सारे राज। वो बस आज छुट्टी ले ली थी। अब इनको अटेंडेंस लगवाओ आते जाते। अच्छा, पर इतनी छुट्टी कौन से ऑफिस में मिलती है? तू तो कल भी यही थी, कल भी दिन में देखा, परसों भी देखा। ये हमारी सोसाइटी की व्योमकेश बख्शी। शिट, बताओ इनको जॉब छोड़ दी। हाँ जी, छोड़ दी है मैंने जॉब। छोड़ दी तो फिर क्या कर रही है तू? भंगड़ा कर रही हूँ घर पे। आपको क्या? शिट, इनको समझ पे आएगा यूट्यूब क्या होता है? बोल के देखती हूँ। हाँ आंटी, नहीं मैं यूट्यूब करती हूँ, मैं फुल टाइम यूट्यूब करती हूँ। यूट्यूब? यूट्यूब तो ठीक है, हॉबी वॉबी के लिए ठीक है, पर वैसे क्या करती है तू? जॉब क्या करती है? फाइनली मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया। आई एम सो हैप्पी। क्या करूं, मम्मी को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो? हाँ बेटा, आज कैसे याद आ गई मम्मी की? तुझे तो याद ही नहीं आती मम्मी की। अरे मैंने इसलिए कॉल किया है कि मुझे सिल्वर प्ले बटन आ गया आज मेरा यूट्यूब से। सिल्वर प्ले बटन, ये क्या होता है? अरे सिल्वर प्ले बटन मतलब मम्मी प्राइज होता है कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि आपने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। अच्छा, तो इसके पैसे वैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं? पैसे नहीं होते मम्मी, हर चीज़ के पैसे पैसे नहीं होते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ों की वैल्यू भी होती है। ले, पैसे नहीं मिले तो क्या फ़ायदा? अब तू ना ये सब छोड़, तू कुछ काम वाम देख जिससे रेगुलर इनकम आए, जॉब देख। फालतू जॉब वॉब छोड़ के बैठ गई है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, अरे सुन तो सही। लो, क्या आपकी मॉम भी ऐसी? आई एम श्योर सारी इंडियन मॉम्स एक जैसी होती हैं। पर्कीमेक्स का हो गया। पर्कीमेक्स हिंदी की एडिटिंग करूं? पर्कीमेक्स हिंदी। उफ, कितनी ठंड है दिल्ली में भाई, कुल्फी जम गई आज तो मेरी। मेघा चलो, शूट नहीं करना है तुम्हें? नहीं शूट नहीं कर सकती भाई, शूट नहीं कर सकती। सबको बोल रखा है मंडे एंड फ्राइडे न्यू वीडियोस, बढ़िया ही। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी। थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गई, बट आई होप यू अंडरस्टूड। Shattered. I left my job. My views were like dropping like a bomb. People were not getting notification of my videos because it was all a change of YouTube algorithm. It was like a glitch. But I was like shattered. I am going to Google office today because some of us creators are invited for a session. हाउस टूर करूँ तो बेसिकली अभी बहुत काम बाकी है, पेंटिंग होनी है मुझे, डेकोर करना है, तो वो सब होने के बाद मैं आपको जरूर एक हाउस टूर दूंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरे पास अपना एक अच्छा शूटिंग स्पेस है जो मैंने खुद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप किया है। तो ये सब आप सबका प्यार है।
So guys, this was all about 2018. I presented it in a fun way. I hope you all liked it. So 2018 for me was a huge learning year. I learned a lot. It was full of opportunities, challenges, hard work, and I really loved every bit of it, whether it was a up or a down. And I hope many more to come in next year in 2019. So I hope it was good for you also this year, and I hope your dreams will come true in the next year, that is 2019 and more. So be positive, be hopeful. So on this note, I end this year of 2018, and I will meet you next in 2019 with more amazing content, with more chit chat and more amazing videos. So meet you next on another interesting video. Feel beautiful, be stylish. Bye bye.